हेलो दोस्तों, मेरा नाम वल्ली सुमरा है और कल हमने बात की थी, हमारे अगले जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने बात की थी 48 लीटर रेफ्रिजरेटर मिनी फ्रीज के बारे में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे एक साइज़ बड़ा, जो कि आएगा लीटर कैपेसिटी के अंदर, 90 लीटर कैपेसिटी के अंदर ये मॉडल, जिसका मॉडल नंबर आएगा DC 100। तो ये 90 लीटर कैपेसिटी के अंदर आ रहा है, जेम कंपनी का, वो भी हमारा जेम कंपनी का ही था, ये भी हमारा जेम कंपनी का ही। तो ये 90 लीटर, ये इसका लुक्स रहेगा। और अंदर से हम बात करें तो यहाँ से हमें ये इसका लुक्स रहने वाला है, ये फ्रीज़र पार्ट है। फिर हमें एक, दो और तीन सेल्फ मिल रही, और छोटा सा हमें वेजिटेबल बॉक्स भी यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे अगर बात करते तो ये डोर का जो सेगमेंट है, ये डोर रहेगा, इसके अंदर भी आपको तीन सेल्फ मिलने वाली है डोर के अंदर भी। ये इसका फ्रीजर पार्ट रहेगा, यहाँ से उसका कंट्रोलिंग पैनल जो आता है वो रहेगा, ये जो देखा है ये कंट्रोलिंग पैनल है। और यहाँ पे ये डिफ्रॉस्ट का बटन रहेगा, और शेल्फ जो है आप उसको एडजस्ट करना है तो एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे प्रोविज़न दिया हुआ है, ये वाला जो है वहाँ से आप शेल्फ को एडजस्ट भी कर सकते हैं। हाइट बढ़ाना है शेल्फ का, छोटा बड़ी चीज़ रखनी है तो आपको हाइट ऊपर नीचे करना है तो आप कर सकते हैं। तो उस तरह से ये यहाँ पे ये डिफ्रोस्टिंग ट्रे भी दी हुई, जो यहाँ का जो पानी होता है वो आप यहाँ पे डिफ्रोस्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा सारा पानी। तो ये डिफ्रोस्टिंग ट्रे भी इसके अंदर दी हुई। उसके अलावा ये जो बॉडी आएगा वो साइड में से ऐसा दिखेगा, ये साइड का बॉडी। अगर पीछे का हम बात करते तो ये रहेगा उसका पीछे का पार्ट, ये रहेगा इसका पीछे का बॉडी, यहाँ पे कंप्रेसर रहेगा, ये पीछे का। यहाँ पे जो है इसका मॉडल नंबर और सीरियल नंबर, अगर रेटिंग की बात करते हैं तो 1 स्टार रेटिंग आ रहा है हमारा ये, और इसका पर ईयर का पावर कंजप्शन जो रहेगा वो रहेगा 240 यूनिट पर ईयर। जैसा बताया 90 लीटर इसकी नेट कैपेसिटी है कि जेम कंपनी का ये मॉडल आने वाला है। थैंक यू दोस्तों।